नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। कांग्रेस हीरानगर की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इस बार कोई भी चूक ना हो, इसलिए कांग्रेस ने हर वार्ड में सोच समझ कर प्रत्याशियों को उतारा है। 2019 को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड लेवल से ही कांग्रेस को पुनः जीवित करने की कोशिश की जा रही है। जेके खबर नाउ हीरानगर के हर वार्ड से प्रतिनिधियों का लेखा जोखा आप लोगों के सामने रखेगा, लेकिन आपको बता दें कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जिसके साथ जनता है वही राज करता है। इस बार सबसे पहले आपको अहम जानकारी दें कि इस बार ईवीएम मशीन से वोटिंग होनी है, जो एक निर्णायक और अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि मोहर गलत लग जाने से वोट कैंसिल होते हैं, अब ये मसला ही खत्म हो जाएगा। जो भी जीतेगा स्पष्ट जीतेगा। आज हम बात करेंगे हीरानगर के वार्ड नंबर 12 की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार के निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुभाष चंद्र को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि बीजेपी के लिए अहम हो सकता है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने नरेंद्र सिंह राठौर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर वो जीतते हैं तो कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन के तौर पर चेहरा होंगे। लेकिन ये तो जनता ही बताएगी कि उनका मत किस प्रत्याशी को गया और वो किसे सेवा के लिए चुनेंगे। दूसरा पहलू जो इस वार्ड में अहम है वो ये है कि हो सकता है पिछले विजेता के साथ एंटी इनकॉम्बेंसी फैक्टर काम करे, या पिछले बार के उप विजेता मोहन लाल, जो कि भाजपा हीरानगर के कद्दावर नेता हैं, को इस बार टिकट न मिलने की नाराजगी का फायदा मिले। यही उम्मीद कांग्रेस लगा के बैठी है, लेकिन जनता जनार्दन है, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। आपको बता दें कि इसी वार्ड से रामपाल पैंथर्स पार्टी सुनीता देवी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं और वार्ड नंबर 12 से जीतने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ।